महिला के साथ इस प्रकार से हत्याकांड हुआ, उसको मारने का काम किया गया और 21 दिन से उसके प्रियोजन और सर्व समाज के लोग वहां पर इकट्ठे होकर उसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर, आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर बैठे हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की सरकार और ये प्रशासन उसको चेतने का काम नहीं कर रहा है। हम आज उस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मोदी के नाम एसडीएम मोदी को इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि जो अनिता चौधरी जो महिला थी, उस महिला की उच्च स्तर पर जांच हो, सीबीआई की जांच हो और जो मुख्य आरोपी थे उन आरोपियों को फांसी की सजा हो। जिस प्रकार से 15 दिन बाद उस महिला अनिता चौधरी के शव का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है बिना किसी परिजनों की अनुमति के, इसलिए इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार इसमें पूरी तरह लिप्त है। हम बीजेपी की सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से एक भाजपा नेता तैयब का इसमें नाम आ रहा है, उस नेता को छुपाने के चक्कर में, राजनीतिक हताशों के चक्कर में बड़ी बहन अनिता चौधरी को इसका हथकंडा और उसकी सजा, उसके हथियारों को फांसी नहीं दी जा रही है। हम इस बीजेपी की सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से 12 महीने पहले सरकार बनने के वक्त भाजपा सरकार
सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से ये वादे कर रही थी, ये दावा कर रही थी कि हम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, इस प्रकार का महिलाओं को इसी सुरक्षा प्रदान करेंगे इस प्रकार का, लेकिन पूरी तरह भाजपा की सरकार इसमें विफल रही है। आप देख रहे हो पूरे 12 महीने के अंतर्गत लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, तरह तरह महिलाओं पे कहीं कहीं की घटना आ रही है, कहीं कहीं की घटना आ रही है। इस संबंध में हम इस बीजेपी की सरकार को सीधा चेतावनी देना चाहते हैं, अगर समय रहते बीजेपी की सरकार इस मामले को संचेत में नहीं लेती है, संज्ञान में नहीं लेती है और उचित हथकंडों पर कार्रवाई नहीं करती है, जो आरोपी उनको फांसी सजा नहीं देती है, तो पूरे समाज को एकत्रित कर पूरे राजस्थान भर के अंतर्गत एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस सरकार की होगी।